तो हम बात कर रहे थे करप्शन की। इससे पहले हमने दो टॉपिक देखे हैं कि करप्शन होता क्या है, उसके बाद हमने देखा है करप्शन कितने तरह के होते हैं। आज हम देख रहे हैं करप्शन लोग करते क्यों हैं, क्या वो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हैं जिसके कारण लोग करप्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है, उसके पीछे कुछ साइकोसोशल फैक्टर्स भी प्रेजेंट हैं। कुछ लोग करप्शन करते हैं क्योंकि उनके जो पीछे का फ्रंटल लोब है, आगे का जो फ्रंटल लोब है, वो इतना डेवलप नहीं है। तो ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में रिकग्निशन और रेस्पेक्ट, जिसे ग्रीक वर्ड थाइमोस के नाम से जाना जाता है, जिन लोगों में थाइमस की डिजायर ज़्यादा होती है, नीड फॉर थाइमोस, थाइमोस मीन्स द डिजायर फॉर रिकग्निशन और रेस्पेक्ट, जो एक्सटर्नली ये रेस्पेक्ट और रिकग्निशन चाहते हैं, वो लोग करप्शन करते हैं। अब दो तरह की चीज होती है। अब बात है ना, थाइमोस यानी हमारा रेस्पेक्ट और रिकग्निशन का तरीका दो तरीके का होता है। एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यानी बाहर वाले लोग जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, एक हमारा इंटरनल कंपोजिशन है। इंटरनल मतलब एक इंटरनल सेल्फ रेस्पेक्ट है। अब जैसे आप, अगर मान लो अच्छे आदमी हो, वैल्यू लोडेड हो, आपके कुछ प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, तो आपको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, आप फुल खुद में सेल्फ कंटेन्ड हो। लेकिन अगर आप सेल्फ कंटेन्ड नहीं हो, आप में लो सेल्फ रेस्पेक्ट है, लो सेल्फ एस्टीम है, लो सेल्फ एस्टीम मतलब आपको बाहर से सेल्फ रेस्पेक्ट की जरूरत होती है, तो ऐसे लोगों में देखा गया है कि करप्शन होने का चांस ज्यादा होता है। दोज पीपल हु हैव लो सेल्फ रेस्पेक्ट और लो सेल्फ एस्टीम, वो लोग सोचते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद के, बड़े बड़े बंगले खरीद के, बड़े बड़े यॉक खरीद के, बड़े बड़े प्राइवेट जेट खरीद के लोग हमें रिकॉग्नाइज करेंगे, हमारी वैल्यू हमारे प्रिंसिपल से रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जब उन्हें दिखेगा कि बड़ी कार से आता है, तभी रिकॉग्नाइज करेंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। तो पीपल विल हु हैव लो सेल्फ वर्थ आर मोर प्रोन टू करप्शन, ऐसा माना देखा गया है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर है सोसाइटल एटीट्यूड। होता क्या है, हम जब सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी महकमे में जाते हैं, तो आपने देखा होगा लोगों का एक सोसाइटल एटीट्यूड है। जैसे पुलिस वालों को देखकर वो कहेंगे ये तो करप्ट ही होते हैं, ये कहता है। एक पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसको कहते हैं इसका मतलब करप्शन है, करप्शन का डेन है। अब क्या है, कोई अच्छा आदमी पुलिस डिपार्टमेंट में भी जा रहा है जो होनेस्ट है, ईमानदार है, इंटीग्रल है, लेकिन जब वो बार बार समाज से ये बात सुनता है कि पुलिस वाले तो करप्ट होते ही हैं, तो ये एटीट्यूड उसे अच्छा करने पर, फर्दर अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, उसे करप्शन करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि उसने बार बार यही समझा वो अच्छा भी काम करेगा तो भी उससे सुनने को यही मिलेगा कि करप्शन किया है इसने, उसने सही न्याय भी लिया है तो दूसरी पार्टी यही कहेगी कि ये करप्ट है, इसने पैसा खा लिया अंदर से। दिस इज द प्रॉब्लम। तो सोसाइटल एटीट्यूड, जब जब हम किसी चीज को टैगलाइन देते हैं, टैगलाइन मतलब पुलिस का मतलब करप्ट बता देते हैं, ट्रैफिक पुलिस का मतलब कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस को ये नहीं देखते वो कितनी धूप में खड़ा हुआ है, वो कितनी धूप में चौराहे को मेंटेन कर रहा है, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, शीतलहर हो, उसमें वो खड़ा है, वो नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि उसने चालान कैसे काटा, और फिर चालान काटा तो खुद ऑफर करते हैं ब्राइब कि इस चालान को खत्म कर दे, आपस में बात करके खत्म कर देते हैं, क्या जरूरत है कोर्ट जाने की, क्या जरूरत है ऑनलाइन सरकार को देने की। तो दिस इज द प्रॉब्लम, दैट इज नोन एज सोसाइटल एटीट्यूड। ये एटीट्यूड किसी आदमी को इन्फ्लुएंस करता है फर्दर करप्शन करने की। सोसाइटी जैसी होती है, लोग भी वैसी होते हैं, इन्हीं लोगों में से ऑफिसर्स बनते हैं। तो हम बार बार किसी को टैग लाइन दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। नेक्स्ट साइकोसोशल फैक्टर देखा गया है, जिसे कहते हैं स्क्वायरल नट सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज होर्डिंग बिहेवियर, होर्डिंग। ये भी भौतिकवाद से ही आती है। क्या होता है कि बीइंग एन ऑफिसर, पर्टिकुलरली ग्रुप ए ग्रुप बी के ऑफिसर्स हो आप, तो होता क्या है, शुरुआत में आपने लेविस लाइफ जी है, आपको सरकारी बंगला मिला है, नौकरी नौकर चाकर मिले हैं, अच्छे स्कूल्स में एडमिशन मिल गया, बहुत सारी जगह आपके पैसे ही नहीं लगे,
तो होता क्या है, हमें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो शुरुआत में होती हैं और लास्ट तक तो और ज्यादा सुविधाएं बढ़ जाती हैं, और हमारी आदत उन्हीं सुविधाओं में अंकित रह जाती है, हमें उसकी आदत पड़ जाती है। तो ऐसा देखा गया है ब्यूरोक्रेट रिटायरमेंट के समय ज्यादा प्रोन होते हैं करप्शन को लेकर। उनका ऐसा मानना होता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो यह सुविधा मुझे नहीं मिलेगी। तो ऐसा सोशियो साइकोस फैक्टर देखा गया है कि ब्यूरोक्रेट जब रिटायर्ड होने वाले होते हैं तब वो ज्यादा प्रोन होते हैं करप्शन को लेकर। एवरीवन, दैट इज नोन एज होर्डिंग बिहेवियर। सारे करप्ट नहीं होते, एक जनरल साइको सोशियो फैक्टर देखा गया है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे जब लिखेंगे अपना तो ये सब फैक्टर आप लिखेंगे। नेक्स्ट फैक्टर देखा गया है अपॉर्चुनिटी थ्योरी। कुछ लोग ईमानदार होते हैं, लेकिन उन ईमानदारों को भी करप्ट बना दिया जाता है। अब कैसे ये फैक्टर काम करता है, मान लीजिए आप ईमानदार हैं लेकिन आपके पास मल्टीपल ऑफर आ रहे हैं, कोई कह रहा क्या हुआ इसमें, दोनों का भला होगा, किसी का बुराई नहीं है जा रही, कुछ पैसे लेकर अगर काम हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, सबका तो भला ही है इसमें। तो ऐसे फैक्टर जहां आप अपॉर्चुनिटी सर्च नहीं कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपके पास बार बार आती है बिकॉज ऑफ सोसाइटल वैल्यूज, यानी सोसाइटी ऐसे डिजाइंड है कि उसे छोटे मोटे करप्शन करना या सोसाइटी का करप्ट बिहेवियर सोसाइटी को बुरा नहीं लगता है। और ऐसी सोसाइटी में जो ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, दे आर प्रोन टू करप्शन, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी सर्च नहीं कर रहे, अपॉर्चुनिटी उनके पास खुद आ रही है। दैट इज नोन एज योर अपॉर्चुनिटी थ्योरी। दिस इज अनदर साइकोसोशल फैक्टर इन करप्शन। फिर देखा गया है रिलीजियस और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से भी कोई महकमा, सरकारी डिपार्टमेंट या सोसाइटी करप्ट बनती है। जैसे देखा गया है जहां जहां ऑर्थोडॉक्स रिलीजन होते हैं वहां वहां सोसाइटी ज्यादा करप्ट होती है एज कंपेयर टू वो जगह जहां पर रिलीजियस मिस्टिसिज्म आया है। अब कैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे ऐसा देखा गया है, ये रिसर्च हुई है, मैं कोई डिफेम नहीं कर रहा किसी रिलीजन को, और इंडिया के रिलीजन पे तो रिसर्च हुई नहीं है, ये तो फॉरेन रिसर्च है। देखा गया है कि कैथलिक्स जो हैं, दे आर मोर प्रोन टू करप्शन एज कंपेयर टू प्रोटेस्टेंट एरिया। प्रोटेस्टेंट एरिया में कम लोग करप्ट देखे गए। तो ऐसा माना गया है कि जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन से लोग आ रहे हैं, लकीर की फकीरी से आते हैं, वो लोग दे आर मोर प्रोन टू करप्शन। दिस इज नोन एज रिलीजियस कंटेक्स्ट। नेक्स्ट हिस्टोरिकल, जैसे एक सोसाइटी होती है जहां पर करप्शन बहुत दिनों से होता आ रहा है, जैसे कौटिल्य अपनी अर्थशास्त्र में इंडिया के करप्शन के बारे में लिख रहा है कौटिल्य कि किस तरीके से राजा को अपने ब्यूरोक्रेसी पे चेक रखना चाहिए। तो हमारी करप्शन की हिस्ट्री कितनी पुरानी है, कौटिल्य लिख रहा है, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव की जो बुक है अर्थशास्त्र उसमें ये बात लिख रहा है, कितनी पुरानी है, आज से हम 2500 से 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो इंडिया या उस सोसाइटी में जहां लॉन्ग हिस्ट्री है करप्शन की, वहां के लोग करप्शन को ऐसे वे ऑफ लाइफ एक्सेप्ट करने लगते हैं, उन्हें छोटे मोटे काम कराने में पैसे देने में कोई बड़ी बात नहीं लगती, उन्हें लगता है ये तो हमने समझदारी दिखाई है कि पुलिस वाले से चालान नहीं कटवाया, उसे कुछ पैसे दिए, उसका भी फायदा हुआ हमारा भी फायदा हुआ, नहीं। एंड दे दिस सोसाइटी बिहेव एज इफ स्पीड मनी करप्शन इज द वे ऑफ लाइफ। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, यानी सोसाइटी धीरे धीरे करप्शन को लेकर प्रोन हो जाती है। प्रोन हो जाते हैं ना, जैसे आपको मच्छर काट रहा है, आपको पता मलेरिया होगा, एक बार मलेरिया, दो बार मलेरिया हुआ, 3-4 बार आप ठीक ही हो रहे हो, फिर आपकी बॉडी प्रोन हो जाएगी मलेरिया को लेकर, काटता रहेगा, पता चला मच्छर ही मर गया है, इतना मलेरिया है। यानी यू हैव द सोसाइटी मेड द एंटीडोट टू द करप्शन, वो प्रोन हो गई है करप्शन को लेकर। दैट इज हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। नेक्स्ट सोसाइटल सैंक्शन, सोसाइटल सैंक्शन,
अब सिंपल सी बात है, हमारी सोसाइटी में कोई ईमानदार ऑफिसर है, इंट्रीगर है, नॉन करप्ट है, अपना काम होनेस्टी से करता है, और एक ऑफिसर है जिसने जो करप्ट है, बहुत बड़ा घर बना रखा है उसने, 5-5 गाड़ियां हैं उसके पास, अभी शादी करी थी लड़के की, बहुत धूमधाम से करी थी। अब ऐसे मोहल्ला, ऐसे सोसाइटी, हम ये देखते हैं कि सोसाइटी उसे अप्रिशिएट कर रही है जिसके पास मनी और मसल पावर ज्यादा है, एज कंपेयर टू वो आदमी जो ईमानदार है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो सोसाइटी का जो पॉपुलर सेंक्शन है वो होनेस्ट लोगों की तरफ ज्यादा है, वो होनेस्ट लोगों को ज्यादा विक्टिमाइज करती है। जैसे वाइफ कहती है क्या हुआ, उसने करप्शन करके देखो कितना कमा लिया, तुम बच्चों को भी सही से नहीं पढ़ा पा रहे, कैसे आदमी हो, निर्लजता नहीं आती है तुम्हें? उसके बच्चे, हम किसी इंटरनेशनल का नाम नहीं ले सकते, यहां पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया तुमने, वो देखो कितना अभी से इंग्लिश बोलता है, हमारा बच्चा हकला के बोल रहा है, एक साड़ी तो तुमसे खरीदी नहीं जाती, दांत दिखा रहे हो यहां पे। दिस इज द प्रॉब्लम, द विक्टिमाइजेशन ऑफ होनेस्ट। अब वो होनेस्ट आदमी जिसका, और इसे एक मूवी आई थी, आई थिंक गब्बर इज बैक है ना, एक मूवी थी, उसमें इसे बड़ा अच्छे से दिखाया गया है कि लोग जो है होनेस्ट को ज्यादा विक्टिमाइज करते हैं, ज्यादा परेशान करते हैं, सच्चे आदमी को ज्यादा परेशान करेंगे, तो ही इज प्रोन टू बिकम द करप्ट। वो भी सोचता है सोसाइटी में मुझे रहना, सोसाइटी की चीज को अप्रिशिएट कर रही है डिसऑनेस्टी को, सोसाइटी किसे अप्रिशिएट कर रही है, मनी एंड मसल पावर को, वो होनेस्टी को थोड़ी ना अप्रिशिएट कर रही है, होनेस्टी को तो फॉर ग्रांटेड ले रही है, उसके लिए कोई मतलब नहीं, वो कोई वैल्यू ही नहीं रख रहा है, और जब वैल्यू नहीं रख रहा है तो पीपल आर प्रोन टू करप्शन। नेक्स्ट फैक्टर देखा गया है करप्शन करने का, जो सोसाइटी से ही आता है, उसको कहा गया एक्सेसिव मैरिज एक्सपेंडिचर। हमारी इंडिया में बिग फैट इंडियन वेडिंग्स होती हैं, साथ के साथ जो भी फंक्शन होते हैं बिग फैट होते हैं। आदमी की इज्जत तब बनती है जब वो बड़े बड़े भंडारे करवाए, बड़ी बड़ी शादी करवाए, 2,000-3,000 लोगों को बुलाए, है ना, शहर चमका दे, हेलीकॉप्टर से बारात जाए, isn't it? अब एक इस बिग फैट इंडियन वेडिंग्स जो हम एक सोसाइटी में प्रमोट कर रहे हैं, उस प्रमोशन के कारण कोई भी आदमी है उस सोसाइटी का उसे पार्ट समझता है, उसे भी लगता है हमारी भी शादी ऐसी होनी चाहिए, डेस्टिनेशन वेडिंग। तो एक्सेसिव एक्सपेंडिचर, एक सोसाइटी जो कंज्यूमरिज्म की है, एक सोसाइटी जो दिखावे की है, उस दिखावे में पीपल आर मोर प्रोन टू करप्शन, क्योंकि उन्हें भी ये दिखावा करना, उन्हें भी ये भौतिकवाद करना है। नेक्स्ट, डाउरी। लड़की पैदा नहीं हुई, उसके दहेज की फादर पहले सोच रहा है एज कंपेयर टू पढ़ाई लिखाई की, और तो और इसे प्रमोट किया जाता है, ये तो प्यार है, ऐसा प्यार कहां होता भाई है? ये कौन सा प्यार है? दिस इज प्रमोट लाइक एनीथिंग। और कुछ निर्लज लोग हैं जो इसे और प्रमोट करके दिखाते हैं कि हमारे यहां तो इतना आया था, मोहल्ले में ये हो जाती, धाक बन जाती कि देखो कितना कमाया था, सोसाइटी से अप्रिशिएट कर रही है, डिसरिगार्ड नहीं कर रही है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था वे बैक बेटा 1960s में, आज भी डाउरी, डाउरी यानी दहेज नॉर्म है सोसाइटी का, आज भी उसे इतना अप्रिशिएट किया जाता है जो कितना बड़ा तीर मारा हो, युद्ध मतलब एक सोल्जर हो और वीरता से लड़ा हो, वो इतना प्रमोट किया जाता है, इसलिए सोसाइटी इज प्रोन टू करप्शन। बात यह है जो सोसाइटी अफीम बोती है अफीम ही खाती है, इज द प्रॉब्लम। 140 करोड़ की पॉपुलेशन हो आप, अगर सोसाइटी, बात यह है हमने वो उसके जो धागे हैं वो अगर विकृत मानसिकता से बनाए तो सोसाइटी भी विकृति होगी,
और हम भी उसी के पार्ट है, दैट इज डाउरी सिस्टम। मेटेरियलिस्टिक कल्चर सोसाइटी में बहुत है। कौन कहता हमारी सोसाइटी पूंजीवादी नहीं है? पूंजीवादी तो पूरे मुंह दिखाई में भी पैसे लगते हैं यहां तो। मटेरियलिस्टिक भौतिकवाद, एंड दिस इज द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी, कि कौन ज्यादा बड़ा अच्छा दिख रहा है, किसने ज्यादा ज्वेलरी पहन रखी है, चाहे मन उसका कितना ही विकृत हो, चाहे आदमी वो कैसा हो, 2% का आदमी हो, वैल्यूज से, अपने बात से, व्यवहार से, लेकिन वो अच्छा को कब है, जब ही हैज सो मच पॉम्प। और ये सोसाइटल वैल्यू भी करप्शन को जन्म देती है जब हम इतना भौतिकवाद को प्रमोट कर रहे हैं। दिस इज अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट आइए, इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था की क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण लोग करप्शन कहते हैं। तो पहले हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर देखे, फिर सोशल फैक्टर देखे, अब इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर, लोग क्यों करप्शन करते हैं? कुछ लोग कहते हैं पुअर सैलरी, आप अच्छा काम करने के लिए इंसेंटिवाइज नहीं है, यानी आप ईमानदारी से करेंगे तो आपको कोई इंसेंटिवाइजेशन नहीं है, लेकिन करप्शन करेंगे तो इंसेंटिवाइजेशन है, पैसा मिलेगा। और एक मूवी देखी होगी आपने ढोल, तो उसमें कहता है ईमानदारी के पैसे में इतना रिस्क नहीं है, करप्शन के पैसे में रिस्क बहुत होता है। और वो करप्शन का पैसा आपने देखा होगा, फिर उस पर लगाता है, पैसे से पैसा बनाता है, लोन पे देता है वो पुलिस वाला। ढोल एक मूवी आई थी, और कहता है ईमानदारी का पैसा तो कोई रिस्क नहीं लाता, करप्शन के पैसे में रिस्क है। दिस इज द प्रॉब्लम। लोगों को करप्शन एक इंसेंटिवाइज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ पैसा, इंसेंटिवाइज कर रहा है इन द फॉर्म कि उन्हें अच्छी पोस्टिंग मिल रही है, इंसेंटिवाइज कर रहा है कि उन्हें अच्छे प्रमोशन मिल रहे हैं। हॉनेस्टी को क्या मिल रहा है? तबादले, ट्रांसफर, गालियां बीबी की, समाज की प्रताड़ना। सोसाइटी अप्रिशिएट नहीं कर रही, कह रहा ईमानदार होगा अपने घर के लिए होगा, वो ये नहीं देख रही कि समाज पे ऐसे हो और उसने कितना बड़ा उपकार किया है। सोसाइटी इज नॉट अप्रिशिएटिंग इट, दिस इज द प्रॉब्लम। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पुअर सैलरी है इसलिए लोग करप्शन कर रहे हैं, सैलरी पुअर है इसलिए लोग करप्शन कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। थर्ड पे कमीशन ने कहा कि लोगों की सैलरी बढ़ा भी दी गई तो जिसे करप्शन की आदत है, यानी हराम का पैसा खाने की आदत है, और जो मान लो करोड़ों में खा रहा है, उसकी सैलरी मान लो 1,00,000 रुपए है, आपने 1,50,000 रुपए कर दी, तो ऐसा थोड़ी ना वो करप्शन छोड़ देगा। थर्ड पे कमीशन कहता है सैलरी बनाने से कोई मतलब नहीं है, आप जो सोचते हो सैलरी बनाने से लोग करप्शन करना खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है, इसमें मल्टीपल फैक्टर हमें ठीक करने पड़ेंगे। और सैलरी, जिन सैलरी की बात करते हैं, कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट नहीं है, एक डीसी का घर जाके देख लो, बंगला है अंग्रेजों के समय का, ये इतने में पूरे मोहल्ले बनते हैं जितने में डीसी का बंगला बन रहा है। और वो नौकर चाकर जो हर चीज फ्री में मिल रहा, कम से कम 10,00,000 का जो रेंट बंगले का है जो आपको देना नहीं पड़ रहा, और जो पेमेंट आ रही है वो तो सेविंग है। कौन आदमी 1,50,000 रुपए जमा पाता है, बचा पाता है, कौन किसका सेविंग इंटरेस्ट रेट है गुड़गांव में बता दो मुझे, एक्सेप्ट जिनका मुआवजा ना आया हो, किसका सेविंग रेट 1,50,000 रुपए होगा? हार्डली यू विल फाइंड, चाहे वो कितना ही कमा रहा हो, यहां तो सेविंग रेट है ये। तो पुअर सैलरी को कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके कारण लोग करप्शन कर रहे हैं, तो ये मूर्खता है, ये मैं नहीं थर्ड पे कमीशन कह रहा है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक क्या प्रॉब्लम है? पहले आपने सुना होगा जब हमारा भारत आजाद हुआ और वो 5-year प्लान लेके आया और इकोनॉमी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह चलती थी, तो लाइसेंस और परमिट राज होता था, हर चीज के लिए लाइसेंस मिलता था और परमिट लेना पड़ता था। इवन 1980s तक अगर आप रेडियो भी ले रहे हैं उसके लिए भी सरकारी परमिशन लेनी पड़ती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था रेडियो की फ्रिक्वेंसी हमारे जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसके कम्युनिकेशन और फ्रीक्वेंसी से मैच कर सकती है, आप सुन सकते हैं पुलिस वाला क्या कह रहा है। ये परमिट राज था, लाइसेंस राज था, कि छोटी आपको अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनाना है, ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ रहा है, आपको परमिट लेना पड़ रहा है। अब उसको चेंज करा गया आप आफ्टर 1990s, ये लाइसेंस परमिट राज चेंज हो गया। अब क्या आया,
क्लियरेंस राज। हर चीज के लिए क्लियरेंस लेना पड़ेगा, कोई भी इंडस्ट्री है उसके लिए ये क्लियरेंस वो क्लियरेंस एंड सो एंड सो फोर्थ। आज आप एक पेट्रोल पंप खोल के दिखाइए, 2 साल आपको क्लियरेंस लेने में लगेंगे, कम से कम 2 साल, कभी इधर चक्कर कभी उधर चक्कर। अब सिंपल सी बात है, जितना ब्यूरोक्रेटिक बॉटल नेक्स, समझते हैं ना बॉटल नेक्स, बॉटल का बॉटल नेक्स, जिसमें से पानी निकालना तो आसान है डालना मुश्किल है, तो बॉटल नेक्स के कारण भी करप्शन है। बड़ी बड़ी जो एमएनसी कंपनी है वो ऐसे फेंक के मारती है मुंह पे पैसा, और छोटी छोटी जो एमएसएमई है उन्हें क्लियरेंस ही नहीं मिल रहा है, अनदर करप्शन को जन्म देता है। और सब जगह हम बड़ी बड़ी एमएनसी कह रहे हैं तो अगेन कुछ की बात कर रहे हैं, सारे लोग करप्ट मान लेना सोसाइटी में ये भी मूर्खता है, सारे लोग दानव नहीं है। मैं आपको अगेन बताऊं, लोग होनेस्टी और इंटीग्रिटी से भी जीते हैं, ये भी आपको बता दें हम, ठीक। लेकिन हम तो वही बात करें ना, जो गलती है उस गलती को ही तो सही करेंगे, तभी तो सोसाइटी आगे बढ़ेगी। द गोल्डन पीरियड लाइज इन द फ्यूचर, नॉट इन द पास्ट। तो लाइसेंस परमिट कोटा राज से आज क्लियरेंस राज आ गया, और क्लियरेंस राज के कारण भी करप्शन है। नेक्स्ट, कॉरपोरेट इन्फ्लुएंसेस। आपको पता है, मैं 100 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नाम बताऊं, 100 बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था अगर हम देखें, इकोनॉमीज देखें, तो 100 बड़ी इकोनॉमीज में से 49 बड़ी कंट्रीज हैं, यानी कंट्री हैं, और 51 एमएनसीज हैं। ये दुनिया की 100 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें से 51 कॉरपोरेशन यानी एमएनसीज, ये कितनी कंट्रीज से ज्यादा पैसे वाली है, ज्यादा जीडीपी है इनकी। गूगल जैसी कंपनी जो अल्फा है, कितनी अफ्रीकन और कैरेबियन कंट्री से बहुत पैसे वाली है। मेटा, टेस्ला, और इनके पास इतना मनी पावर है कि दे कैन बाय एनीथिंग, दे कैन बाय एनीथिंग। अब ये बड़ी बड़ी कंपनी है तो दे यूज ब्राइबरी टू इन्फ्लुएंस फेवरेबल पॉलिसी, की इनके जैसी ही पॉलिसी बनाई जाए, इनके पास पैसा इतना है, ये भी एक करप्शन का कारण है। नेक्स्ट, बिजनेस सेक्टर रोल। अब बिजनेस हाउसेस जो है कंपिटिटिव ब्राइबरी करती हैं, यानी गवर्नमेंट उनको फेवरेबल ट्रीटमेंट दे, उनके बिहाफ पर पॉलिसी बनाए, इसलिए बिजनेस हाउसेस खुद ही प्रमोट कर रहे हैं करप्शन, फंड करना सरकारों को, अलग अलग सरकारों को, जो आपका व्यू, आपके व्यू के जैसा हो उसे फंड करना और दूसरे से अपना हाथ खींच लेना। और बिजनेस हाउसेस करप्ट करते हैं तो सिंपल सी बात है, इसके कारण फर्दर करप्शन। अगर सबसे सबसे बड़ी बात है, बिजनेस हाउसेस ही ये कहने लगे कुछ भी हो जाए हम करप्शन नहीं करेंगे, तो एक कंपिटिटिव इन्वायरमेंट होगा और सबका फायदा होगा। तो देयर इज आल्सो लैक ऑफ यूनिफाइड स्टैंस अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट ब्राइबरी, जैसे फिक्की है, CIA है, अगर ये कोई रेजोल्यूशन डाले कि हम कोई भी ब्यूरोक्रेसी को ब्राइब नहीं देगा, हम अपना काम डंडे की चोट पे करवाएंगे, तो किसी ब्यूरोक्रेसी में हिम्मत है कि करप्शन कर जाए? यूनिफाइड स्टांस की कमी है यहां पर। यूनिफाइड स्टांस समझते हैं ना, कि एक मत की जरूरत है। नेक्स्ट, कंपनीज क्या करती हैं, अपना शॉर्ट टर्म गेन्स देखती हैं, लेकिन यह नहीं देख रही कि आगे जाकर आप ब्यूरोक्रेसी जो करप्ट बना रहे हैं उसमें आपके बच्चे भी निहित हैं, आपसे ज्यादा जो पैसे वाला कल को आएगा वो भी आपकी तरह ही करेगा। इमेजिन करो, वो लड़का जो स्पोर्ट्स में नहीं सेलेक्ट कर पाया क्योंकि उसके फादर के पास पैसा नहीं है, वो बच्चा जो दिन रात तैयारी कर रहा था, नीट में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बच्चा जो बहुत होनहार था, एडमिनिस्ट्रेशन देखता तो डिस्ट्रिक्ट की व्यवस्था अच्छा कर सकता था, लेकिन PCS के करप्शन के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। समाज ने डॉक्टर खोए, एक अच्छे इंजीनियर खोए, अच्छे ऑफिसर खोए, अच्छे स्पोर्ट्समैन खोए, जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन।
और फिर ओलंपिक में हाल देख लो हमारा, फिर इंजीनियरिंग में हाल देख लो, अंग्रेजों के बनाए हुए पुल अभी तक नहीं ढहते, अपने वाले इंजीनियर पुल बनाते हैं ढह जाता है, करप्शन ही तो है। मैं बता तो रहा हूं 12-12 पुल गिर रहे हैं बिहार में, करप्शन की प्रकाष्ठा है मैडम। तो शॉर्ट टर्म वो गेम देख रहा है, ये नहीं देख रहा लॉन्ग टर्म सोसाइटी पे क्या इफेक्ट डाला उस पुल पे। जब उसके बच्चे गिरेंगे तब उसे किसी दिन समझ में आएगा कि करप्शन उतना ही बुरा था जितना उसने किया है। नेक्स्ट, कुछ लीगैलिटी भी हमारी इंडिया में ऐसी है जो करप्शन को प्रमोट करती है, जिसे सरकार को जल्दी से जल्दी अमेंड करना यानी संशोधित करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लीगैलिटी में देखें तो आर्टिकल 311, आर्टिकल 311 कहता है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट, पॉइंट टू बी नोटेड क्या लिखा है यहां पर, पब्लिक सर्वेंट, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने से पहले, प्रोसिक्यूट जब किया जाएगा तो उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। यानी किसी भी सिविल सर्वेंट को पहले आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी बिफोर प्रोसिक्यूटिंग हिम, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी के कारण 15-15, 20-20 साल केस चलता है, इतनी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। कोई आम आदमी कोई क्राइम करे तुरंत वो जेल में होगा, तुरंत उस पर केस चलने लगेंगे। यहां पर यू आर गिविंग रीजनल अपॉर्चुनिटी, और रीजनल अपॉर्चुनिटी है तो 15-15, 20-20 साल केस चलता है, इतने में वो स्विस भाग जाता है, लंदन भाग जाता है, बहुत भागे हैं ऐसे, इतने तो कनेक्शन बनी जाते हैं जब इतने फेवरेबल कंडीशंस पे आप बैठे तो बाहर भागने में क्या दिक्कत है। ठीक है, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, बस्ती में आग लगा के ठीक है, फॉरेन ट्रिप है, बार्सिलोना गया हुआ है वो, इज अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, नेक्स्ट लीगल सेंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसका सेक्शन 19। अब समझना क्या क्या लीगल प्रॉब्लम है हमारी इंडिया में जिसके कारण भी करप्शन प्रमोट होता है, यानी करप्शन करने, जो करप्शन कर रहा है उसे डर नहीं है। डर क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ दीज लीगल सेंक्शंस, लीगल प्रॉब्लम, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 19। ये कह रहा है किसी भी ऑफिसर पर, किसी भी पब्लिक ऑफिसर पर, किसी भी ऑफिसर में ब्यूरोक्रेसी पर अगर आप प्रोसिक्यूशन चला रहे हैं तो प्रायर सेंक्शन लेना पड़ेगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी से। इसका मतलब कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर पे अगर करप्शन के चार्ज लगाएंगे तो आपको सेंट्रल सरकार यानी सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी साहब से। और किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर पे करप्शन के चार्जर प्रोसिक्यूट करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप समझिए, आम आदमी कोई क्राइम करता है उस पे अगर FIR होनी हो तो किसी के सेंक्शन की जरूरत है? एक ऑफिसर पे अगर आप करप्शन चार्ज लगाएं, करप्शन अगर प्रोसिक्यूट करवाएं तो सेंक्शन की जरूरत है, सरकारी सेंक्शन की जरूरत है। या केंद्र का ऑफिसर हो तो केंद्र सरकार की, राज्य का ऑफिसर हो तो राज्य सरकार की। अब सरकार के पास इतना टाइम रखा है सेंक्शन लेने का, एवरेज 1-2 साल तो सेंक्शन देने में ही लग जाते हैं, वो सेंक्शन ही नहीं दे रहे हैं। यही नहीं कह रहे हैं कि इसे प्रोसिक्यूट करना है या नहीं करना है, और केस लिंगर ऑन होता रहता है, बहुत बहुत सालों तक चलता रहता है, न्याय नहीं मिलता। और जो विसल ब्लोअर है जिसने करप्शन का बताया है वो अल्टीमेट विक्टिम बन जाता है, उसका विक्टिमाइजेशन होता है। नेक्स्ट, सेक्शन 197 CRPC का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, यहां पर भी प्रॉब्लम है। यहां क्या प्रॉब्लम है अब समझिए, यहां पर तो है करप्शन रिलेटेड एक्ट, उसके लिए क्या चाहिए? प्रायर सेंक्शन चाहिए, सेंक्शन चाहिए। यहां पर है, यहां पर है अदर ऑफेंसेस अदर देन करप्शन, यानी किसी भी और अदर करप्शन ऑफेंसेस के लिए और अदर गुनाह के लिए भी आपको प्रायर सेंक्शन चाहिए। राज्य सरकार का एम्प्लॉय हो तो राज्य सरकार से, केंद्र सरकार का एम्प्लॉय हो तो केंद्र सरकार से। सेक्शन 197 ऑफ CRPC। अब प्रॉब्लम ये है इन सरकारों के साथ, ये
प्रॉब्लम ये है कि विद इन टाइम फ्रेम यही नहीं बता रही कि इन्हें प्रोसिक्यूट किया जाए या नहीं किया जाए, प्रोसिक्यूशन का ही नहीं बता रही है। दो दो साल तीन तीन साल डिसीजन नहीं लिए, तो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस पर कुछ सुधार करे हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 2018 के करीब, और ये करा है इसमें क्या कहा है कि 3 महीने के अंदर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फर्दर उसे 1 महीना और एक्सटेंड करा जा सकता है, लेकिन ये भी अभी इंप्लीमेंटेशन में नहीं आया है। एवरीवन, नेक्स्ट सबसे प्रॉब्लमेटिक जोन पे आते हैं हम, एक दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का। क्या नाम है? दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इसका नाम सुना है आपने, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिश, सीबीआई सुनी, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसी एक्ट से बनाई गई है, डीपीएसपी से। अब देखो ये क्या कह रहा है, डीपीएसपी एक्ट 1946 का सेक्शन 6A, ये कह रहा है कि देखो आप कभी भी क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस में जाएंगे तो कोई भी ऑफिसर्स पे चार्ज लगता है तो सबसे पहले उसकी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होती है, ठीक है, उसके बाद फुल फ्लेश्ड इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके बाद प्रोसिक्यूशन होता है। प्रोसिक्यूशन कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसिक्यूशन पता है ना बेटा, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, फुल फ्लेश इन्वेस्टिगेशन एंड देन प्रोसिक्यूशन, ये तरीका है। अभी हमने देखा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऊपर जो देख के आ रहे हैं और सीआरपीसी, उसमें प्रोसिक्यूशन के लेवल पे आपको प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, प्रायर सैंक्शन वो समझ में आता है, वो इसलिए समझ में आता है कि भाई कितनी बार क्या होता है कि होनेस्ट सिविल सर्वेंट को भी फ्रेम किया जाता है अलग अलग चार्जेस में। अब जैसे मान लो एक करप्ट डीसी था, उसने है ना वहाँ के बड़े बड़े ट्रेडर क्लास के साथ बहुत सारा करप्शन किया, अब उसका ट्रांसफर हो गया किसी और डिस्ट्रिक्ट में, नया जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आया वो होनेस्ट है लेकिन उसे फ्रेम कर दिया गया पुराने वाले डीसी द्वारा कि भाई इसे फंसा दो, ऐसा भी होता है कितनी बार, इसलिए ये प्रोटेक्शन दिए गए ऊपर वाले जो एक सेंसिबल भी है, सरकार को बस विद इन टाइम फ्रेम अपना प्रोसिक्यूशन का जो सेंक्शन है वो जल्दी देना पड़ेगा, उसके लिए लॉ होना चाहिए और सरकार ने बनाया भी है, इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहां, डीपीएसपी कहता है, डीएसपी यानी दिल्ली पुलिस स्पेशल स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कहता है इसका सेक्शन 6 से कि जितने भी ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद के ऑफिसर्स हैं यानी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए भी सैंक्शन की जरूरत है। अब लोगों लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई ये क्या बेवकूफी है, इसका तो हमें समझ में भी आता है लेकिन इंक्वायरी नहीं होगी तो ये कैसे पता चलेगा करप्शन हुआ भी है कि नहीं हुआ है, इसके लिए सैंक्शन की जरूरत क्यों है। चलो यहां तो समझ में आता है प्रोसिक्यूशन लेवल पे, लेकिन इस लेवल पे भी अगर आपको सैंक्शन की जरूरत होगी ऐसे तो आप सिविल सर्वेंट को प्रोसिक्यूट कर ही नहीं सकते, दैट इज द प्रॉब्लम इन 6A। अब क्या हुआ, एक केस हुआ जिसे सीबीआई केस भी कहते हैं, आल्सो नोन एज विरित नारायण केस। विरित नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रिपोजिशन दी, उन्होंने सेक्शन 6A, जो ये सेक्शन 6A था इसे स्टक डाउन कर दिया, और इस जो सेक्शन 6A है इसे सिंगल डायरेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल डायरेक्टिव, आल्सो नोन एज सिंगल डायरेक्टिव रूल। क्या कहते हैं इसे, कि भाई किसी भी ऑफिसर जो जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर है उसकी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए भी क्या चाहिए, सैंक्शन चाहिए, दैट इज नोन एज सिंगल डायरेक्टिव रूल। सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नारायण केस में इसे खत्म कर दिया, स्टक डाउन कर दिया। अब सुनना, और किस बेसिस पे स्टक डाउन करा, किस बेसिस पे स्टक डाउन करा, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन करा, 2013 की भी बात है, जो सरकार थी उसने दोबारा ये इंट्रोड्यूस कर दिया, 2014 में सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ उसने दोबारा ये स्टक डाउन करा, और स्टक डाउन करा ऑन द बेसिस ऑफ, उसने कहा हाई रैंकिंग और लोअर रैंकिंग में आप इक्वालिटी के बेसिस पे क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पे गलती करी, उसने कहा कि हाई रैंकिंग के लिए प्रायर सैंक्शन चाहिए,
लोअर रैंकिंग ऑफिसर के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए, ये तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां गलती कर दी। अब गलती क्यों कर दी, उसे यह कहना चाहिए था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए तो जरूरत ही नहीं है प्रायर सैंक्शन की, वो तो प्रोसिक्यूशन लेवल पे काम करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टक डाउन कर दिया, 6A स्टक डाउन करो ऑन द बेसिस ऑफ सरकार। देखो सरकार ने कहा, सरकार ने ये सिंगल डायरेक्टिव रूल सारे ऑफिसर्स को दे दिया। अब हर ऑफिसर को करप्शन के केसेस लगाने के लिए भी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए भी प्रायर सैंक्शन की जरूरत है। समझ में आया? अब ऐसे में करप्शन के केसेस कहां पकड़े जाएंगे और कैसे करप्शन ठीक होगा? अब छोटे से छोटे ऑफिसर्स के लिए, छोटे से छोटे का मतलब रैंक में जो स्पीड मनी करप्शन हो रहा है उसके लिए भी आपको कहां जाना पड़ेगा, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी प्रायर सैंक्शन। तो ये तो बढ़ावा ही देता है करप्शन को। अरे प्रोसिक्यूशन समझ में आता है लेकिन इंक्वायरी नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा करप्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, और इंक्वायरी देने में ही आप इतना टाइम लगा रहे हो। तो उसने कहा करप्शन हुआ है, तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक है हुआ है, चलिए। तो ये जो करा है ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018 का अमेंडमेंट है, जिसमें सिंगल डायरेक्टिव रूल सारे पब्लिक सर्वेंट के लिए डाल दिया गया। और 6A जो था उसकी जगह कौन सा सेक्शन डाला गया, 17A। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है और क्यों लोग करप्शन करते हैं, तो पहले जुडिशियल लेवरेज देखते हैं। तो है क्या करप्शन का केस जो है, एविडेंस इकट्ठा करना, इसको प्रोसिक्यूट करना, इसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे आपने जुडिशरी में देखा होगा एवरेज पेंडेंसी जो करप्शन केसेस की है वो 10 से 15 साल है। अरे 10 से 15 साल में एक बच्चा जवान होता है, जवान हो जाता है, 11th 12th में आ जाता है। और एवरेज पेंडेंसी कितनी है, 10 से 15 साल। कितने केस मैं आपको गिनवा सकता हूं जिसमें एवरेज 10 से 15 साल लगे उस करप्शन को प्रूव करने के लिए। अब प्रॉब्लम यह है इतना डिले प्रोसिक्यूशन होगा तो लोग करप्शन का बताएंगे ही क्यों, क्यों करप्शन के लिए प्रोसिक्यूट करेंगे और क्यों विक्टिमाइज होंगे, और ऐसे तो करप्शन ही खत्म नहीं होगा। तो इनएडिक्वेसी डिले है जुडिशियल प्रोसेस में, दिस इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीक विसल ब्लोअर लॉज। अब देखा जाए तो विसल ब्लोअर वो होता है जो किसी भी करप्शन को बताता है, वो विसल ब्लोअर है। अब प्रॉब्लम ये है विसल ब्लोअर एक्ट पास हुआ, विसल ब्लोअर एक्ट में क्या किया गया कि अगर विसल ब्लोअर ने करप्शन का केस लगाया है और वो अगर सिद्ध नहीं हुआ, प्रूव नहीं हुआ, तो विसल ब्लोअर के अगेंस्ट केस चलेगा। एवरेज पेंडेंसी 10 से 15 साल, तो विसल ब्लोअर को जो एडिक्वेट प्रोटेक्शन देना चाहिए था वो प्रोटेक्शन नहीं मिला, वीक विसल ब्लोअर लॉज है। नेक्स्ट करप्शन का क्या कारण है, लैक ऑफ ऑटोनोमी। जैसे सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट केज्ड पैरेट कह रही है, क्योंकि जो भी सरकार आती है वो सीबीआई सीवीसी ईडी को अपने फायदे नुकसान के लिए यूज करती है, चाहे पिछली वाली सरकार हो चाहे कोई भी सरकार आए या जाए, सब यूज करते हैं। तो ऑटोनोमस नहीं है, तो ये करप्शन के केसेस क्या है, पॉलिटिसाइज्ड। करप्शन क्या है और रियल करप्शन क्या है और पॉलिटिसाइजेशन क्या है, इसमें एक आम आदमी लाइंस ड्रॉ ही नहीं कर पा रहा। कुछ लोग करप्ट होते हैं, कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो नॉन करप्ट हो जाते हैं, सुना और देखा होगा, दिस इज अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर क्या है करप्शन के, किसके, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर ऑफ करप्शन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी। हमारे यहां हर चीज में प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी है, प्रोसीजर बहुत हार्ड है, कॉम्प्लेक्स है, और हार्ड और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होने के कारण होता क्या है कि मिडल मैन है। अब आप जैसे मान लीजिए अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने गए, आरसी किसी चीज की, या फिर छोड़िए लाइसेंस बनवाने गए अपना,
तो आपने देखा होगा बहुत सारे ताऊजी बैठे रहते हैं बाहर और कहते हैं कि चुटकियों में बन जाए, पता चला लाइन लगी हुई है फोटो खिंचवाने के लिए, वो अंदर चले गए आपको लेकर, कहा इसके यहीं खींच दे, दे दिया इसने काम कर दिया है। आपको एक विंडो से दूसरी विंडो जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको बस साइन करके आना है, काम हो जाएगा, होता है ना ऐसा। तो प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है कि इसमें मिडल मैन आते हैं, यानी सरकारी सुविधाओं में भी मिडल मैन, वैसे तो है सरकारी सुविधाएं लेने में भी जो आपका अधिकार है उसमें भी मिडल मैन है, और इस मिडल मैन के कारण, इस प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी के कारण करप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम रेड टेपिज्म, हर चीज का पेपर वर्क, इतना पेपर वर्क, इतना पेपर वर्क, कितनी इतनी फाइल जमा करके आपको करनी पड़ती है, भेजनी पड़ती है, कभी इस विंडो से उस विंडो, उस विंडो से इस विंडो। तो हम जो कहते हैं कि इंडिया में रेड टेपिज्म खत्म हो गया है, ऐसा कोई रेड टेपिज्म खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी है। अब भी पिलर टू पोस्ट आपको करना पड़ेगा अपना काम करवाने के लिए, सरकारी महकमे के चक्कर काटने पड़ेंगे। कहीं कहीं अच्छा भी हुआ है, जैसे कहा गया है त्वारी सरकार त्वाडे द्वार, यह एक अच्छी स्कीम कह सकते हैं, कहीं कहीं अच्छा भी हुआ है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे रेड टेपिज्म है। एक राशन कार्ड बनाने में भी आपको पिलर टू पोस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोई करप्शन के केस होते हैं तो हमारा ग्रीवांस रिड्रेसल जो है, यानी शिकायत का निवारण है, वो भी सही से नहीं हो पाता। अब किसी डिपार्टमेंट में आपको कोई ऑफिसर करप्ट लगता है तो आपने उस डिपार्टमेंट में उस करप्ट ऑफिसर के खिलाफ शिकायत लिखी, कितनी बार ऐसा देखा जाता है कि कोई ग्रीवांस रिड्रेसल ही नहीं है, शिकायत का निवारण ही नहीं है। ये तो ये बात है कि डिपार्टमेंट ने, महकमे ने करप्शन को ऐसे पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसे पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लिया है, कोई कोई बड़ी बात ही नहीं है, काम कर रहा कुछ तो पैसे लेगा, सरकारी सैलरी नहीं, तुमसे नजराना सुकराना हर जाना भी देना पड़ेगा। तो डेट इज वीक इंटरनल मैकेनिज्म, ग्रीवांस रिड्रेसल जो है वो सही से एस्टेब्लिश नहीं है। नेक्स्ट, सोसाइटी और कल्चर ऑफ सीक्रेसी, एक ऑफिशियल सीक्रेट सेक्टर 1923 का जो एक ब्यूरोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्ट क्या करता है कि उन्हें उन्हें गवर्नमेंट की जो डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन है उसे लीक नहीं करनी, नीड टू नो बेसिस बोलना है, और नीड टू नो बेसिस बोलना है, नीड टू नो बेसिस बताना है, तो इसमें एक सीक्रेसी प्रमोट होती है डिपार्टमेंट में, और सीक्रेसी का मतलब करप्शन, सारा चीज तो अंडर द कारपेट ही हो रहा है। कितनी बार आरटीआई लगाई जाती है राइट टू इंफॉर्मेशन, उसका जवाब ही नहीं मिलता, क्योंकि एक लाइन लिख के आ जाती है दिस मैटर इज अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1923। तो दिस कल्चर ऑफ सीक्रेसी के कारण ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पा रही है, और ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पा रही है तो करप्शन, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। कुछ ब्यूरोक्रेटिक भी चैलेंजेस हैं, जैसे जब जब रिफॉर्म्स की बात आती है तो ब्यूरोक्रेसी जो एक मिडल एज वर्ड है, मिडल एजेस में शब्द आया था ब्यूरोक्रेसी, यानी राजा के जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, राजा के जो जमींदार बने वो ब्यूरोक्रेसी है। आज ब्यूरोक्रेसी नहीं कहनी चाहिए, वैसे ये सिविल सर्वेंट है, इसलिए आपके यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करती है और इन्हें सिविल सर्वेंट्स कहती है, ब्यूरोक्रेसी नहीं कहती। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का नाम चेंज करने से उसका काम थोड़ी ना चेंज हो रहा है, अभी भी वो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है। ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट मतलब मध्यकालीन युग का माइंडसेट, जिसमें कोई भी रिफॉर्म होता है तो सबसे पहले इन्हें प्रॉब्लम होती है कि ये रिफॉर्म हो क्यों रहा है, दे आर एडमेंट टू चेंज, रिफॉर्म चाहती ही नहीं है ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट, पीयर प्रेशर, अब जैसे एक डिपार्टमेंट है उसमें मोस्ट ऑफ द ऑफिसर गलत डिसऑनेस्ट है, यानी भ्रष्ट है, और दो तीन ऑफिसर, दो तीन छोड़ो एक ऑफिसर भी ईमानदार है, तो ईमानदार ऑफिसर ईमानदारी कब तक दिखा सकता है? दीज होनेस्ट ऑफिसर दे फील द
फियर ऑफ एंटीग्राफ्ट एक्टिविटी, करप्शन में इसे ही फंसा दिया जाता कितनी बार बाय देयर पीयर ग्रुप्स कि ये ज्यादा अच्छा बन रहा है. दिस इज अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट पॉलिटिसाइजेशन. जैसे अगर पॉलिटिक्स का अगर आप काम करो, मैं सारी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, कुछ पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस का अगर आप काम करो तो अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, अच्छे ट्रांसफर मिलेंगे, अच्छे डिपार्टमेंट मिलेंगे, की पोस्टिंग मिलेगी अच्छी अच्छी डिस्ट्रिक्ट की. मैं ये नहीं कह रहा सारे डिस्ट्रिक्ट की जो पोस्टिंग अच्छी मिलती है वो करप्शन से मिलती है, लेकिन ये भी होता है कितने डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अच्छी अच्छी जगह पोस्टिंग मिलेगी. और अगर आपने अच्छे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अराउंड काम नहीं करा, पॉलिटिशियंस की नहीं सुनी, तो आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, जैसा सचिव जी की हो गई थी. वैसे यहां पर देखा हो आपका प्रमोशन क्या होना, डिमोशन हो जाएगा, कल्चरल डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, लगा वो आईपीएस की तरह था. तो दिस इज द प्रॉब्लम. दैट इज सिविल सर्विस मैनेजमेंट. सिविल सर्विस मैनेजमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग में प्रॉब्लम है. इसके लिए सिविल सर्विस बोर्ड बना था लेकिन वो इनऑपरेटेबल है. सिविल सर्विस बोर्ड से ट्रांसफर पोस्टिंग हो ही नहीं रही है, सरकार अपने हिसाब से करती है. तो देयर इज ए नीड ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड. नेक्स्ट पॉलिटिकल फैक्टर्स. पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है? लैक ऑफ पॉलिटिकल विल. इंदिरा गांधी के समय पर लोकपाल आया था और वो पास नहीं हो पाया. फिर अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ. अन्ना हजारे मूवमेंट में लोकपाल पास बिल पास किया गया. आज 2019 में जाकर पहला लोकपाल बना. और लोकपाल का क्या काम है ये आज भी अनडिफाइंड है. लोग तो जानते ही नहीं है लोकपाल क्या होता है. कितनी बार आपने टीवी पे लोकपाल का नाम सुना? तो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल. पॉलिटिक्स ही नहीं चाहती है कि करप्शन ठीक हो. नेक्स्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. अब पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन, मनी और मसल पावर ज्यादा है तो पॉलिटिक्स यूज होती है ऐसे इन्वेस्टमेंट. पैसा लगाया तो पैसा कमाएगा. वेलफेयर के लिए थोड़ी ना आए हैं, सारे वेलफेयर के लिए नहीं आए हैं और सारे मैं बताऊं गलत काम के लिए नहीं आए. तो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिक्स में मनी और मसल पावर यूज है. और मनी और मसल पावर यूज है तो क्रिमिनलाइजेशन भी है. क्रिमिनल्स एंटर होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, साथ के साथ करप्शन है. पैसा लगा रहा है 5 करोड़ तो कमाएगा अभी तो 25 करोड़. हमारे यहां उस आदमी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो ग्राउंड से निकला हुआ है. हमें ग्राउंड के लोग चाहिए जो मनी और मसल पावर से नाते हो, ईमानदारी से आते हो और जिनके अंदर कुछ जज्बा हो समाज को चेंज करने का. नेक्स्ट प्रॉब्लम पार्टीजन सिविल सर्विस. तो सिविल सर्विस भी आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है और इन्हें बनाया जाता है पार्टीजन. और जो पार्टीजन होता है सिविल सर्विस में, यानी एक सिविल सर्वेंट इस पार्टी को ज्वाइन चूज कर रहा है, एक इसको कर रहा है, तो एक दूसरे की पार्टी जब पावर में आती है तो करप्शन प्रमोट होता है. दैट इज पार्टीजन इन पार्टीजनशिप इन सिविल सर्विसेज. नेक्स्ट प्रॉब्लम है वोटर बिहेवियर. अब प्रॉब्लम यह है कि मान लो एक पार्टी है ए, उसने पिछले चुनाव से मतलब पिछले सरकार जब हुई थी तो करप्शन किया था, फिर लोग उससे नाराज हो गए, एंटी इनकम्बेंसी आई, उसने बी पार्टी को ज्वाइन करा, बी पार्टी में भी उन्हें सेम करप्शन मिला, तो बेचारे क्या करेंगे, ए को दोबारा इलेक्ट करेंगे. ए में भी पता चला करप्शन है, फिर किसे इलेक्ट कर रहे हैं, बी को. वीसीएस साइकिल, वोटर बिहेवियर. अब वोटर करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, ठीक है. तो दैट इज वोटर बिहेवियर, लैक ऑफ वोटर मैच्योरिटी. वो री इलेक्शन में उसे ही सपोर्ट कर देता है जो पिछले से पिछले बार जिसने करप्शन किया. दिस इज द प्रॉब्लम. तो सोसाइटी का अवेयर होना बहुत जरूरी है. हमें एक उन लोगों की जरूरत है जो समाज के उस एरिया से आते हों, जो वहीं के हैं एक तो, और उस एरिया से आते हैं जो समाज की प्रॉब्लम समझते हों, होनेस्ट हो, इंटीग्रल हो. ऐसे लोगों को एमएलए एमपी बनाना चाहिए. हम क्या कर रहे हैं आज पार्टी के बेसिस पे एमएलए एमपी बना रहे हैं. दिस इज द प्रॉब्लम. चलिए नेक्स्ट
इलेक्टोरल करप्शन, इसमें तो बहुत ही करप्शन, जैसे मनी पावर का यूज, मैंने आपको बता दिया, इसे भी लिख सकते हैं मनी पावर का यूज। लैक ऑफ अल्टरनेटिव, जैसे मैं कह रहा री इलेक्शन होता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, लैक ऑफ अल्टरनेटिव है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या, दिस इज द प्रॉब्लम। वीक डिस्क्लोजर नॉर्म्स है, जैसे आपने सुना होगा पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग के लिए ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी की जो फंडिंग है उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी एक्सपेंशन बता रखे हैं, कितना एक्सपेंस हो सकता है, आपको पता होगी ये बात, ठीक है। तो आई थिंक 95 लाख है एक, आई थिंक 35 लाख है, देख लेना एक बार डेटा क्या है। लेकिन एक करप्शन में इससे बहुत ज्यादा, मतलब जो इलेक्शन होते हैं उसमें तो खर्चा बहुत ज्यादा होता है, वो होता है पार्टी के नाम पर कि ये फलाना पार्टी एक्सपेंस कर रही है, कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट नहीं कर रहा है। अब इसके कारण प्रॉब्लम है वीक डिस्क्लोजर नॉर्म्स है, पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर एक्सेसिव खर्चा किया जाता है चुनाव जीतने के लिए, और खर्चा आएगा कहां से, करप्शन से। अभी पैसा लगाओगे तो बाद में कमाओगे, दिस इज अ प्रॉब्लम, वीक डिस्क्लोजर नॉर्म है। इसमें आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का भी नाम सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी करप्ट प्रैक्टिस बताया है, जिसमें यही पता नहीं कि कौन पैसा दे रहा है और पैसा जा कहां रहा है, दैट इज आल्सो प्रॉब्लम। कंक्लूड करते हैं कि करप्शन, कंक्लूड कर देते हैं यहां पर कि करप्शन के क्या क्या कारण है। हमने देखा सोशल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, लीगल फैक्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर है, ये सारे फैक्टर देखे ना। अब प्रॉब्लम है कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, लीगल रिफॉर्म्स हो, चाहे सोसाइटल रिफॉर्म्स हो, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हो, और इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि सॉल्यूशन क्या हो करप्शन का, कैसे करप्शन को कम किया जाए। तो हमने जो प्रॉब्लम्स देखी वो भी उसका अपोजिट भी एक रिफॉर्म्स है, जैसे लीगल रिफॉर्म्स किए जाए 311 में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का अमेंडमेंट हो, सिंगल डायरेक्टिव रूल को खत्म किया जाए। तो वी विल सी रिफॉर्म्स इन नेक्स्ट।